वो एक्चुअली ना मुझे आदत है, वो शादी से पहले मैं ऋषभ के साथ सोता था ना, तो उसका हाथ भी ऐसे रख के सोता था, तो मुझे नींद अच्छी आती है और डर भी नहीं लगता, इसलिए। क्यों? मेरा हाथ मुझे दो। तो तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं कहा। तो तुम्हारे पास आ जाऊं? ऐसे भी मैंने नहीं कहा। तो क्या कहा? मैंने कहा कि क्या कहा? मेरा मतलब है कि क्या मतलब है? गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। कमरे से आ रही लगता है, प्रीता के चिल्लाने की आवाज आई है इस कमरे से। आपने भी सुनी? हाँ। ओ नो, अंदर तो करण जी जो है, पर मम्मा को लग रहा है अंदर चोर। नहीं मम्मा, अंदर कोई चोर नहीं है। मुझे लगता है कि जरूर इस कमरे में ना चोर आ गया, और प्रीता और सृष्टि दोनों में से कोई तो चीखा है उसे देख। तू यहाँ क्या करी? मुझे लगा तू प्रीता के साथ अंदर कमरे में होगी। अरे माँ, मैं वॉशरूम गई थी इसलिए मैं बाहर हूँ। अरे ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? सृष्टि कर, जो करना है जल्दी कर, इनको अंदर जाने से रोक, कर कर कुछ करके। माँ, वो दीके चीखने की आवाज नहीं थी, वो मेरे चीखने की आवाज थी। गार्ड ने पहले ही कहा था कि हमारे घर के आसपास ही चोर दिखाई दे रहा है, जरूर वो चोर ना मौका लेकर तुम्हारे कमरे में छुप गया होगा, और इसीलिए उसे देखकर पिता चीखी होगी। नहीं नहीं, अरे मेरी चीखने की आवाज थी, मैं बोली चीखने की आवाज कैसे आ सकती है? तू तो बाथरूम में थी ना, चीखने की आवाज तो अभी आई है उस कमरे से, पिता की आवाज है।
मैं झाड़ू लेके आती हूँ। ये जरूर तेरी वजह से हो रहा है। तूने तूने चोर को रोड पे पीटा था ना, उसका बदला लेने के लिए वो इस कमरे में घुस के बैठ गया होगा। उसे देख कर प्रीता चीखी। तुम चिपकली से इतना डरती हो? हाँ, अभी तो मैं इस बात से डर रही हूँ कि तुम्हें कहाँ छुपाऊँ। माँ ने देख लिया तो शायद भूल रही हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओके, और तुम ये भूल रहे हो कि माँ ने तुम्हें कल सुबह आने के लिए कहा था, और तुम्हें यहाँ देखेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा कि तुमने उनकी बात का सम्मान नहीं किया, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। उन्हें तो बुरा ही लगेगा ना, रस्म तोड़ी, रिवाज तोड़ा। अब तुम कहीं चुप जाओ, मेरी वजह से क्यों? तूने तो कहा था ना उस चोर को मारने के लिए तो घर से गायब रही थी। पीटा था क्या? नहीं, हाँ पीटा था यार। प्रीता ठीक कितनी है? चोर अगर इस कमरे में कोई भी चोर है ना तो वो बाहर आ जाए। मैं बता रही हूँ, अगर वो बाहर नहीं आया ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, और फिर पुलिस उसका वो हाल करेगी जो वो सोच भी नहीं सकता। हाँ, है ना, सोचना कि ये औरतों का घर है तो फिर हम लोग डर जाएंगे। हम लोग बड़े लड़ाके हैं। बाहर आ जा, हमारे घर में जो भी जबरदस्ती आया ना उसे हमने मार काट के ही भेजा है। बाहर आ जा, अपनी जान की खैर चाहता है तो। मैं गिनती गिन रही हूँ, मैं तीन तक गिनूंगी, बाहर आ जाना, नहीं तो मैं सच में पुलिस में फोन कर दूंगी। एक, दो, तीन। लगता है बड़ा ही ठीक चोर है, ऐसी गिनती गिनने से और पुलिस का डर दिखाने से बाहर नहीं आने वाला। तुम दोनों क्या ऐसे यहाँ पर खड़े हुए बुत की तरह? अरे ढूंढने में मेरी मदद करो ना, इतना सा तो कमरा यही होगा, कहीं और कर जाएगा। चल इधर, तू इधर आना। हाँ, वो देख अलमारी के पीछे देख, जरा देख और देख, जरा बेड के नीचे देख। मिल गया। मिल गया, कहाँ है चोर? पेंजी, पेंजी मैं पूछ रही हूँ, मिल गया? हाँ तूने तो कहा कि मिल गया, कहाँ है चोर? नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि मिल गया। मुझे लगा कि तूने कहा मिल गया मतलब चोर मिल गया तुझे। जी वैसे भी नहीं, सब जगह देख ली, कमरा भी पूरा ढूंढ लिया, बाथरूम भी देख लिया, कहीं नहीं है। अरे क्योंकि यहाँ चोर ही नहीं है तो यहाँ पर कैसे दिखेगा चोर? और वैसे भी ये वाली खिड़की भी बंद है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई चोर वोर है। बहुत रात हो चुकी है मम्मा, बहुत रात हो चुकी है यार, क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो ना जाके सोते हैं, मुझे भी बाहर जाके सो। क्या? नहीं नहीं, तू सो जाती हूं, इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी और पिता के साथ ही सोना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं सोती हूँ, सुबह मिलते हैं। और सुन, बिल्कुल डरना नहीं। हाँ आंटी, मरवाओ के क्या? हाथ में डुकी पता सी। जानकी आंटी, थैंक यू। तुम्हारे ऐसे पता सी, पर इन्ना होएगा ये नहीं पता सी। जानकी आई पेंजी, पर तेरी बदमाशी चंगी लगी। अब सोते हैं। कहाँ पे? बेड पर। अच्छा नहीं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहो। हाय जीजू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। अब Happy Valentine's Day. Hello. To you too. बैठ बेटा। आने में देर कर दी? देर तो हो गई, फूल लेने चला गया था तो फूल लेने में देर हो गई। मैं ना सुबह दूध लेने गई थी तो शर्मा जी बता रहे थे कि बिल्कुल करण जैसी गाड़ी ना पूरी रात हमारे मोहल्ले में खड़ी रही है। हाँ, क्योंकि वो जीजू की गाड़ी है। मेरा मतलब है जीजू जैसी गाड़ी। अरे मोहल्ले में हमारा ही घर थोड़ी ना है जिनके घर पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। आया होगा कोई बड़ा इंसान अपनी बड़ी गाड़ी लेकर। मम्मा
हम गाड़ियों की बात क्यों कर रहे हैं? अब करण जीजू आ ही गए तो दी को विदा कर दो ना। जाओ दी। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तू मुझे बड़े बुजुर्ग की तरह मत बता कि उसे कब विदा करना है। तू जरा चुप रहा कर। अरे मम्मा मुझे थोड़ी ना जल्दी है, जीजू को जल्दी है, इसलिए तो मैं बोल रही थी। और वैसे भी मेरा बेडरूम भी तो खाली होगा। क्यों पागल हो गई? जब देखो बेशर्म की तरह बोलती जाती है, जरा चुप क्या कर दो। मैं बेशर्म और ये दोनों मम्मी जी, वो मॉम ने भी बोला था कि प्रीता को घर ले आना जल्दी। मैंने कहा था ना जीजू को ही जल्दी है इसके लिए। कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख रही हूँ। नहीं मैं ऐसे विदा नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए समोसे, लड्डू और वो नमकीन अपने हाथों से बनाया, खा के जाना। एक्चुअली वो ऑफिस भी जाना है, ऋषभ है नहीं तो ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। प्रीता को घर छोड़ के मैं ऑफिस निकलूंगा, लेट हो जाएंगे। पैची अब तो करण ने भी कह दिया, अब इसको जल्दी भेज दो। ठीक है बेटा, अगर ये सब चाहते हैं कि तुम जल्दी चले जाओ और वहाँ राखी जी भी इंतजार कर रही हैं, तो फिर जाओ। खुश रहो, खुश रहो। संभल के जाना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रास्ते में बोल देना उसे जिसके लिए बोलना चाहता है। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे तो वो अपने ससुराल वापस गई है, मुझे खुशी होनी चाहिए पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। बहन जी आप कोई भी काम बिना टेंशन के ले सकते हो। अरे सीधे सीधे बोलो ना कि आपकी बेटी गई है तो आपको बुरा लग रहा है। करीना वो तेरी एक फ्रेंड है ना एंजेला, लंदन वाली, वो वापस आ गई? जी मॉम आ गई, पर बहुत टेंशन में है। क्यों? डिप्रेशन में है वो। एक्चुअली उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है पर अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। थैंक यू पुत्र। करीना दी आपकी फ्रेंड को क्या हुआ मुझे बताइए, शायद मैं कोई हेल्प कर सकूं। मैं काफी डॉक्टर्स को जानती हूं, अब मुसीबत के वक्त तो अपने ही काम आते हैं ना। भाभी उसे एक्चुअली किसी लिप फिलर और बोटॉक्स वाले डॉक्टर की जरूरत है, आप जानती हैं ऐसे किसी डॉक्टर को? करीना दी मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो सोचा कि आपके सहेली को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है और किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता। भाभी उसकी ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, रियली उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। करीना दी मैं ऐसे किसी डॉक्टर को जानती तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी सहेली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैम एक मिनट, मैं जाके देखता हूँ दरवाजे पर कौन है। प्रीता अरोरा वहीं रुक जाओ। करण बेटा, बेटा ये सब क्या है? ये सब मतलब? इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी बेटी की शादी टूट गई, तुझे अपनी बहन से कोई प्यार नहीं, इस लड़की ने इतना सब कुछ किया फिर भी तुम इसे घर ले आए। करीना पुत्र इसे मत बोल, प्रीता ने इसे फोन किया होगा कि उसे आके ले जाए। उधर जब लड़की ना अपने मायके में ज्यादा दिन रहती है ना तो लोग बातें करने लगते हैं, इसलिए ले आया। ठीक है ना, क्या बुरी बात है इसमें? दादी हुआ मैं खुद गया था पिता को घर वापस लाने के लिए, और मैंने मम्मी जी को वादा भी किया कि मैं हमेशा पिता का साथ दूंगा। इसे घर लाने से पहले तुमने जरूरी नहीं समझा कि एक बार मुझसे पूछ लो? करीना दी
रहने दीजिए ना इन सब बातों को। आज वैलेंटाइंस डे है और आज के दिन करण प्रीता को घर ले आया है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है दी? आपको पता है, जब प्रीता घर पे नहीं थी ना, तो मेरा करण बहुत उदास रहता था, गुमसुम सा रहता था। इसी टेंशन में देख के मैं खुद टेंशन में आ जाती, लेकिन आज आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा मेरी बहू को घर ले आया है। करण, प्रीता, पुत्र, तुम दोनों ऊपर जाओ, आराम करो। मैं तुम लोग के लिए अदरक वाली चाय भिजवाती हूँ। ओके मॉम। जीती रहो, खुश रहो, हमेशा एक साथ रहो। दादी, खुश रहो। करण, तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं चाय लेके अभी आई। जी मैम। इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की यह हालत है। मेरी बेटी की शादी टूट गई है। इस लड़की की वजह से मेरी बेटी इतनी दुखी है। इस लड़की को खुश होने का कोई हक नहीं। पता है मुझे पुत्र, शांत हो जा, सब ठीक होगा। अरे वाह, मुझे मालूम था आज वैलेंटाइंस डे के दिन आप दोनों जरूर एक साथ रहोगे। नाइस। वैसे मैं रात भर सृष्टि से फोन पे बात कर रहा था और उसने मुझे समीर। जी दादी, आया। ऐसे मैं बहुत खुश हूँ, प्यार करने वाला है, प्यारा सा जोड़ा आज एक साथ है। रुसल, मुझे शार भी लेना है। ई, तुमने सुबह से शार नहीं लिया? तुम्हारे साथ नहीं लिया ना? चलो। मायरा, क्या हुआ? Are you all right? प्रीता वापस आ गई है। क्या? करण प्रीता को वापस ले आया है। एक सेकंड, तुमने मुझसे कहा था कि करण प्रीता के घर गया है उसे उसकी असली औकात दिखाने के लिए। अब तुम कह रही हो कि करण उसे वापस लेकर आ गया लूथर हाउस में? वापस ले, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे क्या लगता है कि प्रीता ने ना उसको ब्लैकमेल किया होगा, इमोशनल ब्लैकमेल या कुछ। तुम्हें क्या लगता है ऐसे कुछ हुआ होगा ना? मुझे लगता है जो तुम सपना देख रही हो ना करण से शादी करने का, वो सपना देखना छोड़ दो। क्या क्या क्या? और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम जाकर करण को देखो, उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है कि वो प्रीता से प्यार करने लग गया है और ये उसके प्यार की निशानी है, इसलिए वो उसे लूथरा हाउस में वापस लेकर आ गया। क्या हो मायरा, तुम्हें बुरा लगा? Obviously, शर्लिन, बुरा लगेगा ना? तुम मेरी दोस्त हो और तुम ऐसे बातें कर रही हो मुझसे। Come on, Mahira. मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारी सैड स्टोरी सुनूं। ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमने मुझसे? Mahira, अगर तुम अच्छी तो मैं तुमसे बहुत अच्छी रहूंगी, अगर तुम बुरी तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा बुरी। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। मैं प्रीता की तरह नहीं हूं कि उससे कोई भी कभी भी बदतमीजी कर देता है और वो उसे माफ कर देती है। अब मुझे ही देखो, मैंने प्रीता के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं इसीलिए उसने मेरे बच्चे की खातिर मुझे माफ कर दिया। प्रीता का दिल नाजुक होगा, लेकिन मेरा दिल पत्थर है। सो नेक्स्ट टाइम यू बेटर माइंड योर टंग। छूटता जा रहा है करण का प्यार भी और शोलिन का भी साथ। कब वाला लो? अभी चाय। आइए गिरीश भैया। क्या बात है गिरीश भैया, बड़े खुश लग रहे हो। क्योंकि आप घर वापिस आ गए, आपके बिना ये घर सुना सुना लग रहा था। और करण भाई तो मुस्कुराना भूल गए थे, हमने आपको बहुत मिस किया। प्रीता भाभी,
मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। और मुझे? प्रीता भाभी कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। अच्छा मिसेज लूथरा, मैंने कुछ पूछा आपसे, आपने मुझे मिस किया? तो जब मैं यहाँ नहीं थी तुम मुस्कुराना भूल गए थे। पहले मैंने पूछा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगी। अब और वैसे तुम इतना तैयार चार क्यों हो गए जैसे सच में ऑफिस जाना है? ऑफ कोर्स मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। बोला था ना तुम्हारे घर पे तुम्हें घर छोड़ के मैं ऑफिस जाऊंगा। रियली? या मुझे लगा कि माँ को बहाना लगा रहे हो ताकि हम वहाँ से जल्दी निकलें। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ के बहाने खोर, मैं सच बोल रहा था। आई मीन वो ऋषभ नहीं है ना, तो उसकी जगह मीटिंग अटेंड करनी है, तुम पता नहीं जाओ। वैसे तुम कुछ कन्फेस करने वाली थी ना अपने दिल की बात।